वतन से मोहब्बत करण जो तरीको यो आए। वतन से मोहब्बत करने का तरीका ये है तो पैंजा फ़र्ज ईमानदारी से पूरा कया वनन कि अपने फ़राइज पूरी ईमानदारी के साथ पूरे किए जाए। जेको मानू पंजे वतन पंजे फ़र्ज से कोताही करे थो और जो शख्स अपने फ़राइज के साथ कोताही करता है यो वतन से मोहब्बत न थो करे, वो वतन से मोहब्बत नहीं करता। इन ही करे असा के घुर्जे त इसीलिए हमें चाहिए कि पंजे वतन की तरक्की और खुशहाली लाए, अपने वतन की तरक्की और खुशहाली के लिए दिए रात मेहनत करूँ, दिन रात मेहनत करें। वतन आई वतन जे मानून सा बेइंतहा प्यार करूँ, वतन और वतन के लोगों से बेइंतहा प्यार करें जितरो इनन जो हक आए, जितना इनका हक है। बच्चों, मैंने आपके सामने इसकी सिंधी और उर्दू दोनों रीडिंग की है। थोड़ा सा मैं इसका आपको एक्सप्लेनेशन दे दूं कि बेटा वतन हर इंसान को अपनी जान से प्यारा होता है। हम दुनिया के किसी भी मुल्क में चले जाएं या किसी भी कोने में, हमारी पहचान एक पाकिस्तानी की हैसियत से ही रहेगी। और दुनिया में रहने वाले जितने भी पाकिस्तानी जो मुल्क से बाहर रहते हैं, वतन की असल कदर वही कर सकते हैं क्योंकि वो ये जानते हैं कि अपने वतन की मिट्टी, अपने वतन के लोग और अपने रिश्तेदार क्या चीज़ होती है। वो ये जानते हैं कि अपने फ़राइज़ अपने मुल्क के लिए हमें कैसे पूरे करने। हम हमेशा ये कहते हैं कि हमारे वतन ने हमें बहुत कुछ दिया है, क्या हमने अपने वतन के लिए कुछ किया है? तो अपने वतन के लिए हमें कुछ करने के लिए बेपना मेहनत करनी चाहिए। अच्छी तालीम, अच्छे शोबों में तरक्की, ये सिर्फ ही नहीं ज़रात मादनी तरक्यात भी अपने मुल्क को देनी चाहिए। हमें अपने मुल्क के वसाइल को बेहतर से बेहतर और आगे से आगे बढ़ाने की कोशिश करनी चाहिए, तभी हम ये साबित कर सकेंगे कि हम एक अच्छे पाकिस्तानी हैं और तभी हम ये साबित कर सकेंगे कि हम अपने दिल में अपने वतन की कितनी मोहब्बत रखते हैं। बच्चों, इसको गौर से सुनिएगा, इसकी रीडिंग कीजिएगा तवज्जो के साथ, और कुछ भी बात समझ ना आए आप मुझसे व्हाट्सएप पे कॉल करके पूछ सकते हैं, मालूमात कर सकते हैं। शुक्रिया बच्चों, अल्लाह हाफिज़।